जो मुख्यमंत्री हैं उनके अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके अंदर सारे उनके रूल हैं, पुलिस है, और वो नहीं समझ आ रहा है कि वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे। रूल तो उनके हाथ में है, कानून वो उनके हाथ में है, कम से कम वो लोअर कोर्ट तो तक केस को साफ सुथरा सरकार पहुंचा सकती है। चिंताजनक है कि जो भी वहां डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं उस बच्ची के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, उनको दबाया जा रहा है। उनको डराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर एक भीड़ आती है, तोड़ फोड़ करती है, मारपीट करती है, उनको धमकी देती है नर्सों को कि हम उसी डॉक्टर की तरह हालात कर। सरकारें एक दूसरे पे थोप रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, बजाय कि वो उस केस पे काम करे, महिला सुरक्षा पे बात करें, अपने कानून में जो भी कमियां हैं उसको पूरा करें। लेकिन नहीं, वहां पे तो जिनके जो मुख्यमंत्री हैं उनके अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके अंदर सारे उनके रूल हैं, पुलिस है, और वो नहीं समझ आ रहा है कि वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे, किससे फांसी मांग रही है। रूल तो उनके हाथ में है, कानून वो उनके हाथ में है, कम से कम वो लोअर कोर्ट तो तक केस को साफ सुथरा सरकार पहुंचा सकती है। तो चिंताजनक है कि जो भी वहां डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं उस बच्ची के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, उनको दबाया जा रहा है। उनको दबाने के लिए, उनको डराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर एक भीड़ आती है, तोड़ फोड़ करती है, मारपीट करती है, उनको धमकी देती है नर्सों को कि हम उसी डॉक्टर की तरह हालात कर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि हम सबको इस पे मिलके सोचने की जरूरत है, सरकार को सोचने की जरूरत है कि आज भी जब भी कोई घटना होता है निर्भया का नाम आता है, लेकिन निर्भया की घटना से, उसके मौत से हमने क्या सीखा है? हमारे सिस्टम ने में क्या बदलाव आया? हमारे कानून में जो भी बदलाव है उस पे काम का क्या हुआ? आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे देश के डॉक्टर्स बाहर रोड पे हैं उनको इंसाफ मिले, उस बच्ची को इंसाफ मिले, उस माँ बाप को इंसाफ मिले, क्योंकि ये घिनौना जो अपराध हुआ है, जो उनके माँ बाप के बयान आ रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है, जिस तरह से बच्ची के साथ बर्बरता हुई है, तो कहीं ना कहीं हाँ, लग रहा है कि हम लोगों के नजरे से कुछ छिपा हुआ है, वो बाहर आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ रही है, तो उस तरह से तो लग रहा है कि बच्ची के साथ कुछ और ही हुआ, उसमें कुछ कोई और भी शामिल है, क्योंकि एक आदमी इतना काम नहीं कर सकता अकेले। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी हुआ, बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके माँ बाप को इंसाफ मिले, जो हमारे डॉक्टर्स बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जो भी मांगे हैं सरकार उनकी मदद करे, क्योंकि आज एक बच्ची की जान गई है। कोई जरूरी नहीं है कि बच्ची की जान गई है, डॉक्टरों को भी खतरा है, क्योंकि आप देखेंगे कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर कुछ भी डॉक्टरों से इधर उधर होगा, जरा सा देर हो गई तो मरीज के परिवार वाले उन पे हमला कर देते हैं, सारा दोष उन पे मढ़ देते हैं। तो कम से कम उनको तो सिक्योरिटी चाहिए। आप बैंक में जाएंगे उस पे मोटे शब्द में लिखा होता है कि उनके उन अधिकारी के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ तो इतनी सजा होगी, फाइन होगी। पुलिस में जाइए, वहां पे लिखा होता है कि उनसे कोई उनको कोई अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। तो डॉक्टर्स क्यों भाई, क्यों उनके पर हमला होता है? वो 24-24 अपना घर परिवार छोड़ के 24-24 घंटे मेहनत करते हैं, तो उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उस बच्ची को भी इंसाफ मिलना चाहिए। आज जो भी तथ्य है वो पूरी तरह से सामने आना चाहिए, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बार बार निर्भया का नाम ले रहे हैं, तो निर्भया
के घटना से सरकार को समाज को कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आज उस बच्ची के साथ हुआ, कल किसके साथ होगा, कल कुछ भी हो सकता है। तो हम यही कहेंगे कि उस जो भी वहां पे सिस्टम है, सरकार है, पुलिस है, इस केस को पूरी तरह से साफ सुथरा जांच हो, जो भी तथ्य हैं सामने आए और उस बच्ची को इंसाफ मिले।